नमस्कार नमस्कार। आरसीआई का महारिकॉर्ड, आरसीआई एजुकेशन हब की यूनिट आरसीआई डिफेंस एकेडमी का महारिकॉर्ड, आरसीआई एजुकेशन हब की यूनिट आरसीआई डिफेंस एकेडमी ने 33 में से 13 सिलेक्शन, लगभग 40% सिलेक्शन देकर बानसूर में एक खुशी का माहौल पैदा किया है। इससे जो भी युवा अपना कैरियर डिफेंस में तलाश रहे हैं उन लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं आरसीआई एजुकेशन हब के निदेशक डॉक्टर विजय जी से आग्रह करूंगा कि सर हमें आप इसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद महेश जी। सबसे पहले मैं सभी जो सिलेक्शन जिन विद्यार्थियों का उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष का ये विषय है कि हमारी जो टीम है उस टीम में जैसे मेरे साथ में महेश जी जो हमारे एक्चुअली मैथ हैं और हमारे यहाँ जो डिफेंस जो इसके MD मनोज जी विराजमान हैं बैठे हुए हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इन सब ने ऐसा एक प्लान बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज आरसीआई डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन जो है उसका एक महारिकॉर्ड बानसूर में हुआ है। उसके लिए महेश जी मैं पेरेंट्स से पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई से संबंधित किस प्रकार से ऐसा कुछ सिस्टम आप लोगों ने यूज किया कि इतना सिलेक्शन जो रेशो है, जैसे अधिकतर जो कोचिंगों में निश्चित सिलेक्शन होते हैं लेकिन सिलेक्शन में 40% सिलेक्शन होना ये एक अचंबा सा भी है और एक सोचने का विषय भी है। तो इसके लिए आप बताएं कि आपने किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई का माहौल दिया, किस प्रकार से तैयारी करवाई? जी सर, सर जैसे ही 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स ने डिफेंस आरसीआई डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया, उसके बाद हम लोगों ने उन बच्चों के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई सब एक्सपर्ट फैकल्टीज ने कि इन लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं। उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो बुक्स थी और जितने भी स्ट्रेटजी होती थी, जैसे वीकली पेपर सर हम कराते थे, उसके बाद मंथली पेपर हम कराते थे, उसके बाद क्लासेज जो थी सर लगभग 1 से 2 घंटे के बीच क्लासेज रखी, उनके डाउट सेक्शन रखे और डाउट सेक्शन में जिस भी विद्यार्थी को थोड़ा सा वीक समझ में आ रहा है वो दोबारा से आगे पढ़ लेते थे। तो इससे सर आरसीआई की जो यूनिट की जो बुक्स जो हमारे पास थी नोट्स की, उन नोट्स ने स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की। उसके बाद हम लोग इसमें स्टैंडर्ड बुक्स भी यूज़ करते हैं और सीकर, जयपुर और नागौर की जितने भी प्रतिष्ठित बढ़िया टॉप फैकल्टीज थी वो हमारे आरसीआई डिफेंस एकेडमी में अवेलेबल हैं। उन शिक्षकों के मार्गदर्शन से सर ये कीर्तिमान हम हासिल कर पाए हैं। धन्यवाद सर। मैं मनोज जी, जैसा कि आपने चूँकि स्टाफ जो है अच्छी फैकल्टी अच्छा कार्य अच्छे मार्गदर्शन से भी करती है जी, और चूंकि आप इधर जैसे माना कि काम डिफेंस का पूरा देख रहे थे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टाफ को बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया कि ये इतना अच्छा और शानदार जो परिणाम है जिसकी वजह से हम सब आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं, बच्चे खुशी महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्लान था थोड़ा सा पेरेंट्स को बताएं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात जाननी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ वीकली जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी रेगुलर चलती है सर। तो क्या हम वीक में हमारा डे फिक्स है, उस डे को हम प्रत्येक बच्चे को हम जो वीकली जो टेस्ट करवाते हैं और फिर वो टेस्ट की कॉपियां जांच होने के बाद पेरेंट्स तक हम प्रत्येक बच्चे की मार्किंग भिजवाते हैं, उस टेस्ट में क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, बच्चों को मार्किंग किस तरीके से और अधिक लाई जाए, ये सभी बातें फिर हम पूरी मैनेजमेंट कमेटी और हमारी जो फैकल्टीज हैं वो बैठ करके फिर उस पर विचार करती थी और बच्चों को बार बार प्रत्येक टेस्ट के साथ ही उनको मोटिवेट भी करते थे। बीच बीच में हमारे यहाँ फिर जो बाहर से मोटिवेटर भी आया करते थे, हम भी उनको मोटिवेट किया करते थे, इस तरीके से बच्चे मोटिवेट होते रहे। फिर जैसे ही बच्चों के जो टेस्ट आते थे, मेन एग्ज़ाम आते थे जैसे एयरफोर्स का, NDA का, नेवी का, तो हम रेगुलर उनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी बच्चों को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से फिर बच्चों में एक मोटिवेट की भावना आ गई और बच्चे आपस में कंपटीशन में आपस में होड़ लग करने लग गए कि मेरे से ज़्यादा अंक कोई नहीं ला सकता, मेरे से ज़्यादा अंक कोई नहीं ला सकता, इस तरीके से बच्चों में होड़ लग गई और बच्चे अपने आप ही तैयार होते चले गए सर। थैंक यू सर। मैं सभी बच्चों से और पेरेंट्स से जैसा कि सर ने और मनोज जी ने बताया, मैं इतना कहना चाहूँगा आरसीआई का सिस्टम जो बनाया जाता है वो चाहे हमारे किसी भी ब्लॉक्स का हो, आरसीआई डिफेंस में ये जो महारिकॉर्ड सिलेक्शन का जो बना, मैं आप दोनों की बात से ये कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम आप लोगों ने बनाया है
जो सिस्टम बनाया उसको बच्चों ने भी फॉलो कर लिया है। जिस जिस बच्चे ने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करने की कोशिश की और उस बच्चे ने अपना सिलेक्शन जो है उसको जो मार्क्स मार्किंग जो है उसको कवर कर पाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि जो सिस्टम आरसीआई का बना हुआ है, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, चाहे डाउट क्लास से रिलेटेड है, चाहे पेरेंट्स तक मैसेज से रिलेटेड है, या फिर बच्चों का मोटिवेशन से रिलेटेड है, पूरे सिस्टम को यदि बच्चे फॉलो करेंगे तो निश्चित है ये जो महारिकॉर्ड बनाए सिस्टम और आप सबकी मेहनत के बलबूते पर ये बन पाया है। मैं इसके अलावा आगे कहना चाहूँगा कि इन विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, इन विद्यार्थियों को और अधिक मोटिवेट करने के लिए, हमारे क्षेत्र के और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इन सब बच्चों के जो आपने जैसे 33 बच्चे थे उसमें से 13 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, इन सभी बच्चों के सिलेक्शन पर एक खुशी का माहौल चारों तरफ है। सभी पेरेंट्स और सभी मित्रगण जो हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं उन सबका ये एक इच्छा है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आरसीआई डिफेंस अकेडमी और आरसीआई कॉलेज की ओर से एक सम्मान रैली और एक सम्मान समारोह का आयोजन 5 सितंबर को किया जाएगा। 5 सितंबर को ये सम्मान रैली आरसीआई कैंपस से प्रारंभ होगी, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी आरसीआई कैंपस से। इसके बाद में ये मेन कोटपुतली रोड से होकर सुभाष सर्किल, सुभाष सर्किल से हरसोरा चौराया, हरसोरा चौराया से शर्मा मेडिकल, शर्मा मेडिकल से फिर रामलीला मैदान में मुख्य कार्यक्रम सम्मान समारोह का रहेगा, ताकि क्षेत्र के बच्चों में और अधिक उत्साह आए। सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपने छोटी सी उम्र में नौकरी कैसे प्राप्त करें वो भी इस बात को जान सकें। उसके बाद में ये जो सम्मान रैली है वहाँ से नारायणपुर रोड, फिर कोटपुतली बस स्टैंड और फिर पेट्रोल पंप बांसुर ओम सिंह मिष्ठान भंडार पर आकर के रैली समाप्त होगी। तो ये जो सम्मान जो समारोह आयोजित किया जाएगा, इस सम्मान समारोह का मेन जो टारगेट है, मेन जो मकसद है, वो हमारा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे किसी भी, चाहे उनका नेवी में सिलेक्शन है, एनडीए में है, एयरफोर्स में, जैसे आप बता रहे थे 10 बच्चों का मैं बता दूं एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चे नेवी में हुए हैं और 1 बच्चा जो है उसका एनडीए जो है उस पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इन सब बच्चों के सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं आप सभी पेरेंट्स से ये भी नरेश जी, श्री महेश जी और मनोज जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अपने जो भी बच्चे थे, ये अधिकतर बच्चे कॉलेज में एडमिशन था जी सर, और कॉलेज के साथ में फाउंडेशन कोर्स बच्चों ने ज्वाइन किया और फाउंडेशन से ही बच्चों का ये सिलेक्शन हुआ है। तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ आरसीआई कॉलेज के साथ साथ में कंपटीशन की क्लासेज अपने यहाँ प्रारंभ की जाती हैं, और वो जो कंपटीशन क्लासेज हैं वो डिफेंस में, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी के भी बच्चे उसमें हैं, प्लस में बच्चा एसएससी 10+2 बच्चा जनरल बैच के लिए कंपटीशन कर सकता है। कहने करता है कि बच्चा अकेले कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है, कोचिंग में भी एडमिशन ले सकता है, दोनों फैसिलिटीज अपने यहाँ हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा और पेरेंट्स से भी मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अकेला कॉलेज क्यों करवाते हैं, 3 साल तक केवल कॉलेज करवाएं फिर उसके बाद में कंपटीशन करवाएं, क्यों नहीं बच्चे को कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की क्लासें भी ज्वाइन करवाएं। और उसी का रिजल्ट है कि महा रिकॉर्ड जो बनाया वो फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ बच्चों ने इतना अधिक सिलेक्शन दे करके और क्षेत्र में खुशी का एक माहौल पैदा किया है। तो मैं पेरेंट्स से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप समय निकालें 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे। ये जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जिन्होंने बांसुर क्षेत्र में एक महा रिकॉर्ड उत्पन्न किया है, इन विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में आप सब शामिल हों, और इसके साथ में आगे के जो बैचेज हैं, ताकि पेरेंट्स को भी इस बात की सूचना हम दे सकें, तो कॉलेज के बैच और उसके साथ में फाउंडेशन के जो बैचेज हैं, मनोज जी कब से अपने यहाँ विचार है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पेरेंट्स जो है इस पर ध्यान रखें। सर, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी क्लासें हमारे यहाँ रेगुलर चल रही हैं, लेकिन जो अब विद्यार्थी हमारे यहाँ नए जुड़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों का हम 8 तारीख से नया बैच स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि 8 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट होगा वो बिल्कुल फ्रेश बैच होगा। तो जो भी नए विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो 8 तारीख से हमारे यहाँ चलने वाली क्लास में शामिल हो सकते हैं। उनका हम आरसीआई एजुकेशन हम में हमारी तरफ से, आरसीआई परिवार की तरफ से उनका स्वागत है।
8 सितंबर से जो नया बैच शुरू होगा उस नए बैच में जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में तो एडमिशन होगा ही, उसके साथ साथ में सर कंपटीशन में कौन कौन सी क्लास अपने यहाँ 8 सितंबर से जो बैचे चलेंगे वो महेश जी आप बताइए, तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग फिर वो क्या है अपना प्लान कर सकें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सर आपका आभारी हूँ कि आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें आरसीआई डिफेंस यूनिट का जो दिया है, और मैं आपको बताऊँ कि आरसीआई जो कॉलेज और कॉम्पिटिशन के साथ में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जो सेलेक्ट हुए हैं, जो 33 में से 13 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इन बच्चों का कीर्तिमान इस वजह से हो पाया, प्रोसीजरली ये बच्चे बिल्कुल इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी की, यहाँ पे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया और इसके साथ ही इन बच्चों का चयन हुआ है। सर अभी जैसे ट्वेल्थ के बाद जस्ट बच्चा जब कॉलेज करता है, यदि वो बच्चा डिफेंस सेक्टर में यदि अपना करियर चूज करना चाहता है तो अपने यहाँ पर डिफरेंट बैचेज हैं उसके लिए, NDA का बैच है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, आर्मी के टेक्निकल ट्रेड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेज हैं, जो आप RCI कैंपस विजिट करके आप पूरी तरीके से पता कर सकते हैं। उसके बाद सर यदि सिविल सेक्टर की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है कॉलेज के साथ, तो इसके लिए SSC CGL है, CGL के साथ SSC LDC है, उसके बाद SSC MTS का एग्ज़ाम है, उसके बाद बैंक PO है सर, बैंक क्लर्क है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसीज होती हैं, स्टेट पुलिस की जो वैकेंसीज होती हैं, कॉलेज के साथ साथ एक जनरल बैच इन लोगों के लिए भी स्टार्ट किया गया है। तो सर ये कॉलेज के साथ में बच्चों के लिए किया गया एक बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर है कि वो कॉलेज साथ साथ करें, उसके साथ कंपटीशन भी करें। कॉलेज के साथ कंपटीशन करने से फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में इसके साथ साथ ही जॉब लगने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं सर। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन का जो माहौल था ये कहीं ना कहीं शहरों में देखने को मिलता था, और हमने एक विचार किया, हमारी पूरी टीम ने एक विचार किया और उसी के साथ पेरेंट्स ने विश्वास किया, पेरेंट्स के सभी के और बच्चों के विश्वास के आधार पर ये बैचेज यहाँ शुरू किए गए, और पूरे टीम जो है उसने मेहनत करके और ये RCI में विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन कॉलेज के साथ साथ हुआ है, इसका जो महारिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए पुनः मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही अभिभावकों से और विद्यार्थियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा लास्ट में कि 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे विद्यार्थियों के, इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जिन्होंने वांछित क्षेत्र में एक महारिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए एक सम्मान रैली और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी समय निकाल कर विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।